स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के खिलाफ विपक्ष द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें विधान परिषद नेता अंबादास दानवे ने अस्पताल की ऑक्सीजन मास्क और अन्य चीजें पहनकर विधान भवन की सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा बड़ी स्वास्थ्य घोषणाएं की जाती है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इसी श्रृंखला में हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है, आगे डालते एक नजर। अंबादास दानवे हमारे साथ है। आज जो है विपक्ष की ओर से और एक आंदोलन किया गया है आरोग्य व्यवस्था को लेकर। यहाँ आपने ऑक्सीजन मास्क स्टेथोस्कोप लिया है, क्या बताओगे कि जिस तरह से आरोग्य व्यवस्था देखते हैं? बिल्कुल, आरोग्य व्यवस्था महाराष्ट्र की फेलियर हुई है और इसके बारे में हमने यह आंदोलन किया है। बताया जाता है कि आरोग्य सुविधा जो है, स्वास्थ्य से जुड़ी सभी सुविधाएं यहाँ जो है सरकार की ओर से दी जा रही है, लेकिन विपक्ष की ओर से ये आज आंदोलन है। फिर आदमी क्यों मर रहे हैं? अगर तुम व्यवस्था दे रहे हो तो लोग क्यों मर रहे हैं? तुम्हारे आरोग्य सुविधाएं नहीं, इसलिए तो लोग मर रहे हैं। तो देखते हैं कि सरकार की आरोग्य भूमिका अभी जो है देख रहे हैं कि सरकार द्वारा जो है आरोग्य भूमि स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्था जो है चरमरा गई है, ऐसा अंबादास दानवे इनका कहना है। और इसी उपलक्ष्य में आज जो है उन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहनकर जो है विधान भवन में प्रवेश किया और नारेबाजी भी की। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।